तो चलिए इस बारे में हम बात कर लेते हैं चेन्नई एफसी के बारे में। चेन्नई एफसी ने किस तरीके से अपनी टीम को बनाया है, क्या है इनका वीकनेस, क्या है इनका स्ट्रेंथ, कौन कौन इनके आईएसएल स्क्वाड में सिलेक्ट हुआ है, और लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन होगा चेन्नई एफसी के लिए इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखते रहना सब कुछ जानने के लिए। फिलहाल के लिए चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इस इंट्रो के साथ। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएसएल स्क्वाड के बारे में चेन्नई एफसी का। कौन कौन सिलेक्ट हुआ है इनके टीम में, किस किस को सिलेक्ट किया है इनके हेड कोच ने आईएसएल सीजन 7 खेलने के लिए। तो सबसे पहले बात करें गोलकीपर की, तो यहां पर मौजूद है भाई करणजीत सिंह, उसके बाद रवंत बाई और सामिंग मित्रों के साथ विशाल काइत। नेक्स्ट इसके बाद अगर डिफेंडर को देखा जाए तो यहां पर मौजूद है भाई आईमॉल, उसके बाद बालाजी, गणेश, दीपक तांगड़ी, एली सबिया, लालचू मावा, फनाई, जेरी लाल इंजवाला, रिंगन सिंह, एना सिपोबिक और आई क्यूब नवाब। इसके बाद नेक्स्ट अगर मिडफील्डर की बात किया जाए तो यहाँ पर मौजूद थे लालिन ज्वाला छंग थे, राफेल क्रिवेलरो, धनपाल गणेश, एडविन फैंसपॉल, अनिरुद्ध थापा, फटकुलो फटकुलोब, उसके बाद जर्मनप्रीत सिंह, अभिजीत सरकार, मीमो मोरा, थोई सिंह और पंडियन श्रीनिवासन। और इसके बाद अंत में अगर फॉरवर्ड में देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद थे अमन छेत्री, एस्मा गोंसाल्वेस, जैकोब सिल्वेस्टर और रहीम आली। तो रहा चेन्नई एफसी का फुल प्लेयर लिस्ट आईएसएल सीजन 7 खेलने के लिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस टीम के ऊपर, किस तरीके से टीम बना है, किस तरीके से काम कर सकता है। तो भाई चेन्नई एफसी आपको ऑलरेडी पता है कि दो बार इंडियन सुपर लीग जीत चुका है, इनके पास दो बार ट्रॉफी मौजूद था। लास्ट टाइम बहुत ही क्लोज चला गया था तीसरी बार ट्रॉफी हासिल करने के लिए, लेकिन एटीके एफसी ने उनको भाई फाइनल में जाकर हरा दिया था और एटीके एफसी थर्ड टाइम चैंपियन बन चुका था। लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसको सोचकर ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। नया सिरे से चेन्नई एफसी को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन भाई ट्रांसफर मार्केट में भी इनके साथ कुछ गड़बड़ हो चुका है, जैसे कि उनका मेन हेड कोच वेन कोयल, जिन्होंने उनको फाइनल तक पहुंचाया था, जीरो से हीरो बनाया था इस टीम को, वो निकल चुका है और जमशेदपुर एफसी में जा चुका है। साथ साथ एक और बड़ा झटका इनका मेन स्ट्राइकर जो था लास्ट सीजन में, जिन्होंने गोल्डन बूट को हासिल किया था वाल्किस, वो भी भाई वेन कोयल के साथ जमशेदपुर एफसी में शिफ्ट हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फेल्यूरी है भाई ट्रांसफर मार्केट में चेन्नई एफसी के लिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने साबा लाजलो को अपनी टीम में शामिल किया, उसके बाद साबा लाजलो ने बहुत अच्छी तरीके से टीम बनाया है। इंडियन कोर स्क्वाड जो था चेन्नई एफसी का वो अभी भी मौजूद है, उसके साथ साथ कुछ इफेक्टिव विदेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में रखकर वो बहुत ही एक मैसिव बूस्ट डालने वाला है इस सीजन में चेन्नई एफसी के टीम में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेन्नई एफसी ने अपने इंडियन कोर स्क्वाड को बरकरार रखा है, साथ साथ दो विदेशी खिलाड़ी को भी इन्होंने रिटेन किया है पिछले सीजन से, जैसा कि राफेल क्रिवेलर, जो कि एक बहुत ही बड़ा इफेक्टिव खिलाड़ी साबित हुआ था लास्ट सीजन, अटैक में बहुत ही ज़्यादा वो काम कर रहा था। वेन कोयल उनको पूरी तरीके से छूट दे दिया था, जिसके चलते भाई वो खुलकर खेल रहा था, बहुत सारा असिस्ट इन्होंने प्रोवाइड किया था टीम को। साथ साथ छंगटे के साथ इनका जो जोड़ी था भाई, वो भी बहुत ही कमाल का काम कर रहा था लास्ट सीजन। और इसके साथ साथ दूसरा खिलाड़ी एली सेबिया को भी भाई रिटेन कर लिया है चेन्नई एफसी ने। चेन्नई एफसी के बैकलाइन को बहुत अच्छी तरीके से संभाला था लास्ट सीजन। एक और खिलाड़ी था लुसियन गोयन, जो कि भाई निकल चुका है, और उनके जगह एनास सिपोबिक को शामिल किया है यहाँ पर इनके हेड कोच। तो एली सेबिया और एनास बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लग रहा है कि सेंटर बैक पोजिशन को मेंटेन कर सकता है। साथ साथ भाई जेरी मौजूद है, रिंगन मौजूद है फुलबैक के तौर पर, तो यहाँ पर एक एस्टेब्लिश्ड हमें डिफेंसिव साइड दिख रहा है चेन्नई एफसी का। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ इनके मिडफील्ड की, तो भाई मिडफील्ड में जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि खिलाड़ी जितना था वो निकल चुका है, लेकिन इन्होंने शामिल किया है मीमो को भाई। तो मीमो एक अच्छा खासा खिलाड़ी साबित हुआ था जमशेदपुर एफसी में, बहुत ही फिट खिलाड़ी आपको ऑलरेडी पता है, और उनके साथ अनिरुद्ध थापा मौजूद रहेगा, जर्मनप्रीत मौजूद रहेगा, एडविन वैंसपॉल मौजूद रहेगा। तो इनका मिडफील्ड भी भाई बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर फिनिश की बात करें तो यहाँ पर से तो भाई वाल्किस निकल चुका है, उनके जगह लाजलो ने दो खिलाड़ी को शामिल किया है, एक है भाई एस्मा गोंसाल्वेस और दूसरा है जैकोब सिल्वेस्टर। ये दोनों खिलाड़ी अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, प्रूवन खिलाड़ी है, जो कि राफेल क्रिवेलर के साथ अच्छा खासा कॉम्बिनेशन करके अटैक को और भी ज़्यादा खतरनाक बना सकता है। मुझे लग रहा है कि राफेल क्रिवेलर को अगर खुलकर खेलने का मौका मिल जाए तो एस्मा और राफेल क्रिवेलर का जो अटैक है वो भाई बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा हर टीम के लिए। तो ओवरऑल अगर चेन्नई एफसी की टीम को देखा जाए तो भाई बहुत ही बैलेंस टीम लग रहा है, उतना ज़्यादा दिक्कत की बात इनके पास तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन
फील्ड में कुछ भी हो सकता है। फील्ड में मैं कहूँगा कि इनके पास अच्छा खासा एक स्क्वाड मौजूद है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके पास जितना भी टैलेंटेड इंडियन यंग खिलाड़ी मौजूद है, जैसा कि अनिरुद्ध थापा, छंगट जैसा खिलाड़ी, उसके बाद यूरोपियन एक्सपीरियंस वाला हेड कोच जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ रहेगा। साथ साथ अगर वीकनेस की बात किया जाए तो भाई वल्किस निकल चुका है, वेन कोयल जिन्होंने चेन्नई एफसी की टीम को एकदम नीचे से ऊपर पहुंचा दिया था, उस तरह का हेड कोच इनके पास से निकल चुका है, जहां पर एक वीकनेस हमें दिख रहा है। और जो कोच आया है नया, उनके पास आईएसएल का एक्सपीरियंस नहीं है। जितना भी विदेशी खिलाड़ी इनके टीम में नया आया है, उनके पास भी भाई ज़्यादा कुछ आईएसएल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चुभने वाला है चेन्नई एफसी को। लेकिन फिर भी भाई चेन्नई एफसी का स्ट्रेंथ इनके ऊपर रहेगा, वीकनेस उतना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैटर नहीं करेगा। तो ये गया मेरा ओपिनियन चेन्नई एफसी की टीम के ऊपर, आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं कि चेन्नई एफसी का क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है आईएसएल सीजन 7 खेलने के लिए। तो इनका जो हेड कोच है उसके अनुसार इनका मेन फॉर्मेशन रहने वाला है भाई 4-2-3-1, यही प्रेफर करता है इनका हेड कोच। उसके अनुसार मैंने प्लेइंग 11 सेट किया है। तो गोलकीपर रहेगा विशाल कायत, उसके बाद राइट बैक पर एडविन, लेफ्ट बैक पर जेरी रहेगा, उसके बाद सेंटर बैक पर एली सबिया के साथ मुझे लग रहा है कि मीमो का जोड़ी बन सकता है। नेक्स्ट इसके बाद सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड पर रहेगा जर्मन प्रीत और उनके साथ थापा, सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड पर रहेगा क्रिविलारो, राइट विंग पर फटकुलोब, लेफ्ट विंग पर चंगटे और स्ट्राइकर की भूमिका में मुझे लग रहा है कि इस्मा को यूज करेगा इनका हेड कोच। तो ये रहा मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 चेन्नई एफसी का आईएसएल सीजन 7 खेलने के लिए। और अगर पॉइंट टेबल की बात किया जाए तो भाई मुझे लग रहा है कि चेन्नई एफसी इस बार शायद प्लेऑफ से पिछड़ सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा हाई है और ऑन पेपर बहुत सारे टीम स्ट्रांग लग रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक हमें तो खुलकर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। तो फिर भी मैं कहूंगा कि चेन्नई एफसी के लिए इस बार थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन चेन्नई एफसी की टीम है भाई वो किसी ना किसी तरह से भाई पहुंच ही जाता है प्लेऑफ में। तो आप लोग भी अपना कमेंट करके जरूर राय बता दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।